बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। आई एम रुबाब फ्रॉम गौहर पब्लिशर। आर मोटो इज रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम जमात पंजुम की माशीत उलूम का बाब नंबर 2 कल्चर के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम उसकी मश्क करने जा रहे हैं, तो चलते हैं बाब नंबर 2 कल्चर की मश्क की तरफ। सफ़ा नंबर 30। दुरुस्त जवाबात पर टिक का निशान लगाएं और खाली जगहों को पूर करें। मजहब, जबान, त्यौहार, पकवान, आर्ट और लोक मौसीकी और गीत की पहचान होते हैं सकाफत की। सोशल मीडिया अकाउंट इंटरनेट के जरिए दुनिया में कहीं पर भी चलाया जा सकता है। मोबाइल, इंटरनेट। आपकी कौम से मोहब्बत को कहते हैं कौमियत। तमाम मुल्क में अक्सरियती और अकलियती आबादी मिलकर एक ही तरह मनाई जाती है। कौमी त्यौहार। कश्मीर का रिवायती लिबास है पैरहन। मश्क नंबर 2, जुमलों में खाली जगहों को नीचे दिए गए अल्फाज में पुर करें। अब जैसे इसमें अल्फाज दिए हुए हैं, चप्पल कबाब, मवासलात, लोरी और माहिया, पैरहन, 10 ज़िलहज। कश्मीर के लोग लंबा चौगा पहनते हैं जिसे पैरहन कहते हैं। डैश खैबर पख्तूनख्वा का मशहूर पकवान है चप्पल कबाब। डैश पंजाब के मशहूर लोकगीत हैं लोरी और माहिया। ईद उल अज़हा डैश को मनाई जाती है 10 ज़िलहज्जा को। खबर को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने को मवासलात कहते हैं। मश्क नंबर 3, दुरुस्त जवाबात पर टिक का निशान और गलत पर क्रॉस का निशान लगाएं। इंटरनेट दुनिया को एक आलमी गांव में तब्दील कर रहा है। टिक, दुरुस्त। चप्पल कबाब पंजाब के पकवानों में से एक मशहूर पकवान है क्रॉस। सोशल मीडिया आपको अपने ख्यालात का इजहार का मुकम्मल इख्तियार देता है दुरुस्त। शहरों में लोग टांगों और घोड़ों पर सवारी करते थे गलत। अपने मुल्क और सकाफत के लिए हमारी मोहब्बत कौमियत कहलाती है दुरुस्त। आइए अब मश्क नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सवालात के मुख्तसर जवाब दें। सकाफतों को 2 जुमलों में बयान करें। जवाब, सकाफत किसी भी मखसूस तहजीब, माशरे, इलाके या मुल्क के रोज़मर्रा के रहन सहन को कहा जाता है। तर्ज ज़िंदगी, खुराक, आर्ट, ज़बान, रवैया और मजहबी रुझान सकाफत के अज्ज़ा हैं। सवाल नंबर 2, पाकिस्तान में पाए जाने वाली सकाफती ग्रोह के नाम बताएं। जवाब, पाकिस्तान में मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ सकाफती ग्रोह बसते हैं। बल्ती और कश्मीरी, पख्तून, पंजाबी, सिंधी और बलोची। ज़राए अबलाग की अकसाम बयान करें। ज़राए अबलाग की 2 बड़ी अकसाम हैं, मास मीडिया, सोशल मीडिया। सवाल नंबर 4, कौमियत का तसव्वुर बयान करें। जवाब, लफ्ज़ कौमियत कौम से निकला है। कौम का मतलब है ऐसी आबादी जो एक जैसी ज़बान, अदब, मज़हब, रहन सहन, रवायात और ज़ाब्तों में बंदी हो। किसी शख्स का अपनी कौम के लिए हक़ मिल्कियत, मोहब्बत, वफ़ादारी और अकीदत को कौमियत कहते हैं। सवाल नंबर 5, सोशल मीडिया के 4 अहम नुकसान बयान करें। जवाब, सोशल मीडिया के 4 अहम नुकसान दर्ज झेल हैं। इंटरनेट पर बहुत से जाली कारोबार करने वाले सरगर्म रहते हैं। रात गए तक मोबाइल और कंप्यूटर इस्तेमाल करने से बच्चों की सेहत और पढ़ाई का हर्ज होता है। सोशल मीडिया पर इजहार राय के इख्तलाफात पैदा होते हैं। बिला ज़रूरत मीडिया का इस्तेमाल वक्त का भी ज़िया है। मश्क नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इसमें बच्चों आपके पास तफसीली जवाबात हैं। तफसीली सवालात के जवाबात आपने ढूंढने हैं, तो आप इस लेसन को दोबारा से एक दफ़ा पढ़ेंगे। हमने बहुत अच्छे से ये लेसन एक्सप्लेन किया है। अब आप दोबारा से इस लेसन को पढ़ें और लॉन्ग क्वेश्चन या तफसीली जवाबात आप उसे खुद तलाश करके लिखें। मश्क नंबर 6, टीचर की मदद से मदरजा ज़ैल जुमलों का तर्जुमा अपनी इलाकाई ज़बान में करें। अब जैसे यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं और सबकी ज़बान हो सकता है कि सबकी ज़बान सेम ना हो, एक ना हो, मुख्तलिफ हो, तो आप अपनी अपनी ज़बान में ये एक्टिविटी करेंगे। अपनी अपनी ज़बान में आप सलाम करेंगे और क्या हाल है आपका ये पूछेंगे और आपसे मिलकर खुशी हुई, तो ये हम लोग एक्टिविटी करेंगे। जैसे इसमें है खुशामदीद,
अब मैं पंजाबी में बता रही हूँ आपको, जी आया नू, ठीक है, खुश आमदीद पंजाबी किस तरह से करते हैं, जी आया नू, आपका क्या हाल है, ताड़ा की हाल है, आपसे मिलकर खुशी हुई, तुहानू मिलके खुशी हुई, तो ये मेरा पंजाबी का स्टाइल था, आप अपने स्टाइल में बताएंगे। मश नंबर 5, पाकिस्तान के चारों सूबों में से एक लोकगीत और एक मखसूस पकवान का नाम लिखें। पंजाब, अब जैसे हमने लेसन पढ़ा, पंजाब के लोकगीत कौन से होते हैं, लोरी और माहिया, और पंजाब का पकवान क्या है, साग हलवा पूरी। सिंध का लोकगीत क्या है, राग लोक, और पकवान क्या है, मिठू लोलो। खैबर पख्तूनख्वा लोरी और माहिया, और उनका ख़ास पकवान, मशहूर पकवान क्या है, चप्पल कबाब। बलोचिस्तान का लोकगीत लेवा है, और उनका पकवान जो है वो सज्जी है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा और समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।